हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू फोर्थ क्लास। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट ड्राइंग टॉपिक ऑफ क्लास फोर। आई टीच यू हाउ टू ड्रॉ अ रैबिट ड्राइंग इन अ ईजी वे। सो वॉच माई वीडियो केयरफुली। तो सबसे पहले हमें रैबिट बनाने के लिए सर्कल बनाएंगे। हम सबसे पहले फ्री हैंड सर्कल बनाना है। हमने सर्कल बना लिए। अब हम कॉइन की हेल्प से हम स्मॉल दो सर्कल बनाएंगे, आईज बनाने हैं हम रैबिट की। स्माइली वाला हमें फेस बनाना है। अब हमने बनाना है रैबिट के ईयर्स। स्टेप बाय स्टेप हमने चलना है। अब हमने बनाना है बॉडी प्रोपोर्शन लेना है। बॉडी प्रोपोर्शन हमने स्टार्ट किया था, तो बस वही बॉडी प्रोपोर्शन को कंप्लीट करना है। फ्री हैंड ड्राइंग लेकर आनी है बॉडी प्रोपोर्शन की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले फर्स्ट क्या करेंगे, हम फर्स्टली ड्राइंग हम ध्यान से देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बॉडी प्रोपोर्शन हम मतलब इमेजिन कर लेंगे। बैक साइड हमें कैसे लेके जाना है, बस हमने ये अभी हमने इसका शेप देंगे पीछे। अभी थाई स्ट्राइक यहाँ पीछे से इसकी टैल बना देंगे। अब हमने यहाँ से इसकी फुट बनानी है अगेन। Our rabbit drawing is complete. ये हमने फोर कलर सेलेक्ट कर लिए हैं। रैबिट में हम कलरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट बॉडी में कलर करेंगे रैबिट की पूरी। पर्पल कलर हम सेलेक्ट करते हैं उसके लिए। बट हम फर्स्टली कलर सेलेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये फाइल का टेक्सचर हम इसके अंदर दिखाएंगे। ये फाइल यूज़ की हमने, इस फाइल के ऊपर रखना है हमने पेपर, फिर हम कलर स्टार्ट करेंगे, उससे हमारा टेक्सचर आएगा। ये टेक्सचर देने के लिए मैंने फाइल यूज़ करी है, आप कुछ भी अदर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें टेक्सचर होनी चाहिए। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कलरिंग ईयर्स के अंदर। पहले आउटलाइन कर लेते हैं हम। आउटलाइन करनी है फर्स्ट। कलरिंग करते टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कलर आउट नहीं होना चाहिए, ड्राइंग से बाहर नहीं जाना चाहिए, फिनिशिंग का ध्यान रखना है मेन। सर्कल पे आउटलाइन कर लेते हैं हम। ये माउथ की आउटलाइन कर लेंगे। आउटलाइन करने से हमें कलरिंग में आसानी रहेगी, इजी रहेगा। अब हम कलरिंग करना स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर फिलअप करना है हमने इसमें रैबिट में।
ओके देखिए राइट हैंड से ड्रॉ कर कलरिंग करनी है। अब फेस में हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं। ये टेक्सचर देखिए लाइनिंग लाइनिंग लाइनिंग। अब हम बॉडी में कलरिंग स्टार्ट करेंगे। आउटलाइन कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। इस साइड हमें ऑरेंज कलर यूज करना है तो हम पहले ऑरेंज कलर कर लेते हैं। अब हम टाइल में येलो कलर करेंगे। येलो कलर फिल करेंगे। यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फ्लो में हमारा हाथ चलेगा लाइक दिस, जैसे आप अब मेरा हाथ चलता हुआ देख रहे हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ब्लू कलर से शेडिंग दिखाएंगे। अब थोड़ा शेडिंग दिखाने के लिए हम इसमें ब्लू कलर यूज़ करेंगे। ईयर्स में भी हम ब्लू कलर से शेडिंग करेंगे।
तो हमने पिंक कलर यूज़ करा है बॉडी में करने के लिए रैबिट की, पर्पल यूज़ करा है, ब्लू यूज़ करा है। तो फर्स्ट टोन होगी हमारी पर्पल कलर, सेकंड ब्लू, और फिर पिंक कलर से हमने इसको मर्ज करना है कलर को। अब लास्ट, सो आवर ड्राइंग एंड कलरिंग इज कंप्लीट। अब हम ब्लैक मार्कर से, ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन करेंगे। क्योंकि मेरे पास स्केच पेन नहीं है, मार्कर है, तो इसलिए मैं मार्कर से आउटलाइन कर रही हूँ। अदरवाइज आप लोग बच्चे ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन करेंगे। ये हम फ्री हैंड से आउटलाइन करेंगे इसकी। आईज में आउटलाइन करेंगे हम। अब हम So our drawing, coloring and outline is complete.